आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। पड़ताल कर रहा था कि आज इस विषय पर क्या बोला जाए। दिसंबर 1948 में अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, तिरंगे कफन, और उसमें एक लेख है गोडसे के नाम खुला पत्र। और मुझे लगा कि ये आपसे साझा करनी चाहिए कि गोडसे के नाम खुली चिट्ठी, इस किताब में 47 नंबर पेज से 56 नंबर पेज तक लेख है, वही मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है। और पेश है अंबेडकर नामा, क्या यह स्पेशल एपिसोड गोडसे के नाम खुली चिट्ठी। अब देखिए क्या लिख रहे हैं अमृत राय इसमें, कि डूबती हुई हिंदू जाति के अकेले तारनहार, आपको सहस्र बार प्रणाम है। आप बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे कि आपके नाम का एक अनजान आदमी यह पत्र कैसा, आपका आश्चर्य बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल अनजान हूं। असल बात यह है कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, और अगर आप मुझे नहीं जानते तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। मेरा आपको यह पत्र लिखना छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके विषय में इस समय मेरे हृदय में जो ज्वार उठ रहा है वह प्रचलित रीति रिवाजों के कगार तोड़े बगैर मानेगा नहीं। पूना से बहुत दूर एक बड़ा पवित्र तीर्थ है काशी। आपको काशी का महात्म्य समझाने की भला क्या जरूरत, आप तो मैं समझता हूं बड़े पक्के हिंदू होंगे, दिन में कई बार संध्या करते होंगे, आपके कई मंत्रों में काशी का नाम आता होगा। इसके अलावा आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि यहां पर आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा प्रताप है। इस तरह काशी के तो और चार चांद लग गए हैं। पहले वह केवल शांति प्रिय हिंदुओं का तीर्थ था, अब संघर्ष प्रिय हिंदुओं का भी तीर्थ हो गया है। इस बात का श्रेय आपके संघ को ही है। इसी काशी के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम इतना अटपटा है कि मैं उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूं। इस अटपटे नाम के अलावा इस गांव में अपनी कोई विशेषता नहीं है। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों में से ही एक गांव यह भी है। शिक्षा, गरीबी और आपसी लड़ाई झगड़े का एक बड़ा सा घर इस गांव में, एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैं मास्टर हूं। नंग धरंग, काले पीले, टेढ़े सीधे 50 लड़कों को ककहरा, 12 खड़ी, ढूंचा पवन्ना और 17 तक का पहाड़ा रटाना मेरा काम है। मेरा नाम जानकी प्रसाद है, यह है मेरा परिचय। आगे लिखते हैं, और आपके परिचय की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अभी हाल में आपने जो महान कार्य किया है उसने आपके नाम को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया है। आप तो पुलिस के कटघरे में बंद, इसलिए आपको पता ना होगा कि आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नाथूराम विनायक गोडसे के नाम को जानता है। यह बात बिल्कुल अलग है कि यह नाम लेते समय उसकी प्रकृति में कहीं कोई वक्रता जरूर आ जाती है, जैसे एकाएक नस खींचने का तनाव। आपका नाम लेते समय
मैंने देखा है लोग अक्सर ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे उनका मुंह किसी अजब विषैली घृणा से जल जाता हो, या जैसे उनके मुंह में आपका नाम नहीं परनाले का कीचड़ हो। लोग आपका नाम सुनकर थू थू करते हैं, आपके नाम में थू है भी तो, मगर उससे क्या, लोग तो स्वभाव से ही डाही होते हैं। आपका नाम पलक मारते देश के कोने कोने में फैल गया है, लोग इसी डाह के मारे आपसे घृणा करते हैं। अब यह रहस्य समझ गया, इतनी जल्दी भला किसका नाम इस विशाल महाद्वीप में फैलता है। गांधी जी को अपना नाम दुनिया भर में फैलाने के लिए आधी शताब्दी से ऊपर क्लांत कर्म करना पड़ा, और आप ऐसे अकलमंद कि आपने वही काम आनंद फानंद में कर डाला। आखिर रिवॉल्वर से चार गोलियां दागने में समय ही कितना लगा होगा, पलक भी तो न झपी होगी, वरना क्या ऐसा अचूक निशाना बैठता। ये सटा एक तरह का ये कटाक्ष है, लेख को ऐसे समझिए। आगे लिखते हैं, अब आपका नाम एक सील की तरह जमाने की छाती पर हमेशा हमेशा बैठ गया। जब तक सृष्टि में गांधी के नाम लेवा रहेंगे, तब तक आपका नाम भी इतिहास के पन्ने में डंक मारता रहेगा। आज से 2 या 3 या 5 हजार साल बाद जब कोई किसी अजायब घर में गांधी का अस्थि कलश देखेगा, तब वह आपका नाम भी अवश्य लेगा। मुझे सचमुच आपसे ईर्ष्या होती है, आपने कितने सस्ते दामों में अमरता खरीद ली। ब्लैक मार्केट में और चीजें चाहे जितनी महंगी हो, अमरता तो मिट्टी के मोल या तमंचे की चार गोलियों के मोल मिलती है। विश्वास कीजिए, मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। उस समय कोई यह न कहेगा कि जिन गांवों का उद्धार करने के लिए गांधी जी सदा प्रयत्नशील रहे, उन्हीं में से एक गांव में जानकी प्रसाद नाम का एक मुर्दारिश रहता था, जो आदमी बुरा नहीं था, जो न तो किसी की गिरह काटता था और न किसी पर तमंचा चलाता था। इतिहास जानकी प्रसाद को भूल जाएगा, मगर आपको सदा याद रखेगा, एक दूह स्वप्न की तरह, मगर याद रखेगा। और हाय रे अभागा मैं, मेरा नाम मेरे साथ ही सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बड़ा संतोषी जीव हूं, सोचता हूं भगवान ने मेरे भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसके ऊपर उंगली उठाने का मुझे कोई हक नहीं। एक बात आपको बताऊं, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, मेरे एक साथी जो कल तक नाथूराम थे, आज नाथूराम नहीं है, उन्होंने कल रात ही अपना नाम बदल दिया। मुझे उनकी यह बात कुछ समझ नहीं आई, मैंने उनसे कुछ खास बहस नहीं की, जो थोड़ी बातचीत की उससे यह पता चला कि वह इस नाम से अब डरने लगे हैं, जैसे उसमें किसी भीषण महामारी के कीटाणु छिपे हों, या जैसे उसमें छिपकिली साही गिलगिला कुछ हो। मुझे अब तो विश्वास हो गया है कि अब कोई मां कभी अपने बच्चे का यह नाम न रखेगी। मुझे अफसोस यही है कि आप जिस दिन फांसी पर टांग दिए जाएंगे और चूहे की तरह दम तोड़ देंगे, उस दिन इस नाम का आदमी और यह नाम दुनिया के पर्दे पर से सदा के लिए मिट जाएगा। मगर सांप की आंख की तरह आपका नाम सदा चमकता रहेगा। मैंने
आपको कभी नहीं देखा, मगर मैं आपको पहचानता हूं। हजार आदमियों के बीच भी मैं ढूंढ सकता हूं। आपकी शक्ल मेरी आंखों के आगे नक्श है, गो कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तमाम महाराष्ट्रों की शक्ल एक सी होती है, तमाम हत्यारों की शक्ल एक सी होती है। एक महाराष्ट्र हत्यारे की शक्ल का एक ही ढंग की हो सकती है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी गुंजाइश नहीं है। यूं तो जैसा मैंने कहा, तमाम हत्यारों की शक्ल एक सी होती है। वे किसी युग में किसी देश में पैदा हों, उनकी शक्ल एक होती है। उनके चेहरों की गढ़न अलग अलग होती है, मगर चेहरा एक होता है। पता नहीं वह क्या चीज है जो उन चेहरों को एक सा कर देती है। वह शायद बुजदिली और धोखे का एक घोल है, जिसकी एक बड़ी मोटी तह तमाम हत्यारों के चेहरे पर पुती होती है। अब आइए आईने के सामने खड़े हो जाइए, मगर वहां कटघरे में है, हां है कि नहीं? मैं आप ही को आपकी हुलिया बताता हूं। उस घोल के नीचे जो आपके चेहरे पर पुता है, एक बड़ी मोटी पवाल है, जैसी बनैले सुअर की होती है, मगर नहीं, मैं गलत कह गया। जंगली भैंसे और बनैले सुअर के संयोग से अगर कोई जानवर पैदा हो, तो शायद उसकी खाल में वह बात पैदा हो जो आपकी खाल में, मतलब जंगली भैंस और बनैले सुअर के मिक्सचर से जो खाल पैदा हो। आगे लिखते हैं, मुझे लगता है कि भाला अगर आपके आपको भोंका जाए तो आपकी नोक, तो उसकी नोक टूट जाएगी, भाला की नोक टूट जाएगी, आपका रंग गेहुआ होगा, गेहुअन सांप की तरह बड़ी मोटी सी फुली होगी, आपके ओंठों की मोटाई 3/4 इंच से कम नहीं है, आपका सिर ऊपर से कुछ चपटा चपटा सा होगा और कील की तरह ठोस, आपका कद नाटा होगा। आगे लिखते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो नाराज मत होइएगा, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, एक गवैया प्राइमरी स्कूल में मास्टर हूं, गलती कर जाऊं तो माफ का हकदार हूं, इसलिए कहता हूं नाराज मत होइएगा। जवाब के साथ साथ में अपना एक फोटो भी भेजिएगा, मैं उसे घड़ियाल के चमड़े से मढ़ा कर रखूंगा, क्योंकि मैं आपके शौर्य का कायल हूं। लोग लाख आपसे नफरत करें, आपकी बुराई करें, मैं तो सदा आपकी बहादुरी का दम भरूंगा। अरे गोडसे की बुराई करने वाले तंग नजर लोगों, यह कोई आसान काम नहीं है कि एक 80 बरस के बूढ़े को, जो किसी तरह अपनी हिफाजत करने को गुनाह समझता है, जो दूसरों को भी अपनी हिफाजत नहीं करने देता, क्योंकि आपके प्यार के अलावा वह कोई कवच नहीं चाहता। एक 80 बरस के बूढ़े को जो सदा भीड़ में है, जिसे अपना प्राण संकट में डालने में रस आता है, मजा आता है, जो इतना बड़ा जिद्दी है, सन की बेवकूफ और सदियों में एक बार पैदा होने वाला युग पुरुष है, ऐसे आदमी को गज भर की दूरी से गोली मार दी जाए। महाराष्ट्र जाति की रगों में शिवाजी का रक्त बहता है, झांसी की रानी और तात्या टोपे का रक्त बहता है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह हत्या कोई आसान काम नहीं है, यह
मामूली आदमी के बस का रोग नहीं है। और भाई आपने तो साहस की हद ही पार कर दी। आपने पहले अपने शिकार के पैर की धूल माथे पर चढ़ाई। हत्या की यह ऋचा आपने किससे सीखी? और फिर दनादन चार गोलियां उस बुड्ढे के शरीर में यम उड़ेल दी जैसे मोटर में पेट्रोल उड़ेला जाता है। सचमुच यह अपूर्व साहस का काम है। मगर यूं ही जिज्ञासावश एक बात पूछता हूं, रिवॉल्वर चलाते समय आपके हाथ नहीं कांपे तो क्या पैर की धूल लेते समय भी नहीं कांपे? बुड्ढे का तो अब काम तमाम करना ही था। हिंदुओं की रगों में खून नहीं पानी बहता है जो लाखों की तादाद में मौत के घाट उतारे जाकर लाखों बहु बेटियों की इज्जत गंवाकर अपनी आंखों के आगे मुसलमान गुंडों के हाथों में उनका सतीत्व लूटते देखकर अपना घर बार माल मता सब कुछ गंवाकर भी वे इस खूसट बुड्ढे की बकवास सुनते हैं। आगे लिखते हैं कि पूना में बैठे बैठे जहां पंजाब और उत्तर भारत की इन विपत्तियों की आंच भी नहीं पहुंची, आप तो इतने आवेशपूर्ण उत्साह में भर उठे कि वह काम कर डाला जिसके लिए किसी की हिम्मत न पड़ती थी। इससे पता चलता है कि आप सचमुच कितने भावुक प्राणी हैं। पुणे की स्वास्थ्यवर्धक हवा में बैठकर पंजाबियों के चर्चे से अपनी नींद खराब कर लेना और फिर उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहना दिखलाता है कि आप सही मानों में लेखक हैं। मामूली लोग तो पंजाब के दर्द की कहानी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यह तो आप जैसा ही आदमी था जिसे पंजाब की घटनाएं एक मोटे बबूल के कांटे की तरह सीने में जाकर चुभ गए। मैं जानता हूं अपने पंजाबी भाइयों की हमदर्दी में आपने एक भी वक्त खाना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको उनका बदला लेने के लिए ताकतवर बनना था। मैं यह भी जानता हूं कि पंजाब से भागी हुई कुछ युवतियां जो पूना पहुंची उनको अपने बिल्कुल अपना बनाकर रखा और उनकी जवानी को की भी प्यास नहीं मरने दिया। उन्हीं की तकलीफों और दर्द भरी कहानियों ने आपकी नींद छीन ली और फिर आपने उनका बदला लेकर पंजाब के हिंदुओं और सिखों की बर्बादी का बदला गांधी जी से लेकर आपने दिखा दिया कि भारत अभी भी भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। आखिर कोई कहां तक उस बुड्ढे की बकवास सुनता? हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए, नीरी बकवास। ऐसा भी कहीं होता है? 60 पर ही अकल सठिया जाती है। बुड्ढा तो अब 80 का था। वह दिन गए जब हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ रहते थे। अब बना तो लिया मुसट्टों ने अपना पाकिस्तान, जाते क्यों नहीं साले? वहां नाहक क्यों पड़े हैं? यहां उनके लिए जगह नहीं है। सीधे से नहीं जाएंगे तो टेरे से जाएंगे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हम हिंदुस्तान में हिंदू राज बनाएंगे। हिंदू धर्म की जय। गांधी पाकिस्तान का दलाल है, गांधी मुस्लिम गुंडा है, इस युग का रावण है, उसका वध करना होगा। आप जो कहते हैं ठीक ही होगा, मगर मैंने अपनी आंख से जो कुछ देखा है
अपनी छोटी सी अकल से जो कुछ समझा है वह आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ इस ख्याल से नहीं कि आप पर कुछ उसका असर होगा, मैं इतना भोला नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि मेरा जी कुछ हल्का हो जाएगा। मैंने अपने गांव में देखा है कि गांधी टोपी का जोर होने के पहले लोग लाल पगड़ी देखकर यों कांपते थे जैसे सांप को देखकर मेंढक लोग झट से खटिया पर से उठ जाते थे, बड़ी आवभगत करते थे और कान लगाकर उसकी बात सुनते थे, मानो वह भगवान का भेजा हुआ दूत हो। उसे खुश करने के लिए घी दूध से उसकी पूजा भी करते थे, अक्सर नगदी भी देते। और अगर कोई लाल पगड़ी वाला गांव की किसी लड़की को एक चार दाग भी लगा जाए तो उसे भी अक्सर चुपचाप बर्दाश्त कर लेते या कुछ ले देकर रफा कर लेते। आपको मैं क्या बताऊं, मूर्ख आदमी हूं। गांधी का जोर होने से पहले गांव में लाल पगड़ी का क्या रुतबा था? यह गांधी टोपी का ही जोर था कि गांव वाले के दिल से लाल का डर गया, कलेक्टर और जज मजिस्ट्रेट का डर गया, जमींदार और शीतला कारिंदा का डर गया। मैंने सुना है कि जब बापू के हत्यारे की खोज हो रही थी तब आपका नाम सर्वसम्मति से पास हुआ था। आपने काम को पूरा करके दिखा दिया कि लोगों ने गलत आदमी को नहीं चुना। आप कसौटी पर खड़े उतरे। जिस तरह आपने 3 गोलियां पेट में और 1 छाती में मारी, उससे भी यह स्पष्ट हो गया कि आपके गुरु द्रोण ने आपको निशाना लगाना अच्छा सिखाया है। जब से मैंने इस घटना का वृतांत पत्रों में पढ़ा है तब से मुझे लगा तार लग रहा है कि आप जरूर बड़े मनस्वी व्यक्ति होंगे, नहीं तो एक बार भी अगर आप इस ख्याल को अपने पास फटकने देते कि आखिर यह आप क्या करने जा रहे हैं, तब तो अनर्थ ही हो जाता। आपके संग में यह बड़ी अच्छी बात है कि सोचने का काम नेता करता, सोचने से छुट्टी पाली जाए तो सारे काम बड़ी मुस्तैदी से किए जा सकते हैं, यहां तक कि बापू पर बिना हाथ हिले गोली तक चलाई जा सकती है। गांधी को आपने गोली मार दी, अच्छा ही किया, खटिया पर मरते तो दुर्भाग्य होता। गांधी को रण क्षेत्र में सीने में गोली मारकर आपने उसके संग कितना बड़ा उपकार किया है, इसे आप नहीं आने वाली सदियां समझेंगी। गांधी को ईसा बनाने वाले आप हैं, आपकी गोलियों ने उसे इतिहास के महानतम शहीदों के पंक्ति में बैठा दिया। गीता के सच्चे कर्मयोगी की भांति जीवन एक एक क्षण लगे रहने के बाद 80 वर्ष की आयु में मिलने वाले शहीद के एक पद से अधिक भाग्यशाली दूसरी क्या हो सकती है। न्याय फांसी पर लटकाएगा, लेकिन इतिहास आपका ऋण स्वीकार करेगा, सच में झूठ नहीं कहता। मैं आपसे दिल्लगी नहीं कर रहा, पुलिस के कटघरे में सुरक्षित गोड़ से आपने धूमकेतु के समान भारत के गगनमंडल में त्रास की छाया बिखेर दी। आप नहीं जानते आप कितने सुरक्षित हैं, प्रकृति आप पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रकृति का आप पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह है कि मौत एक बार आती है। कुछ सुना आपने? अपने प्रकृति का आप पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा अनुग्रह। मगर मुझसे मत डरो, मैं एक दुर्बल सा प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं। पत्र बहुत लंबा हो गया है, उत्तर की प्रतीक्षा अखबार में करूंगा।
पर उधर तो देखो फंदा तुम्हारे गले में कस जाने को कितना आतुर है। मगर मुझे कोई यह तो बताए कि यह फंदा है या मेरी लंबी लंबी गठिली उंगलियों की सड़सी। तो ये है अमृत राय साहब का लेख, एक सटायर है, एक कटाक्ष है। पूरा सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। अंबेडकर और गांधी में गहरे मतभेद थे, लेकिन कभी एक दूसरे के लिए उन्होंने अपशब्द नहीं कहे, और गांधी की हत्या पर अंबेडकर भी दुखी थे। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।